मध्य प्रदेश के खरगोन में दिव्यांगों के फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाकर करीब 1,00,000 रुपए निराश्रित निधि निकालने वाले पूर्व पार्षद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में थाने लेकर आई। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर महेश्वर के पूर्व पार्षद और नगर परिषद उपाध्यक्ष के पति सैफुद्दीन खान ने दो दिव्यांगों के फर्जी विवाह प्रमाण पत्र लगाकर करीब 1,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद सैफुद्दीन को दोषी पाया। आरोपी को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में थाने ले आए। पार्षद को हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में थाने लाने पर परिजनों और कांग्रेसियों ने रात में थाने का घेराव कर दिया और TI को हटाने की मांग करने लगे। जब मामला गंभीर हुआ तो एडिशनल SP शशिकांत कनकर ने महेश्वर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया। खरगोन से अजय तिवारी, रिपोर्ट। ये फर्जी विवाह के प्रकरण में सबसे आवेदक लोगों ने पहले एक आवेदन दिया था जिसकी संपूर्ण जांच हो चुकी है और संपूर्ण जांच पे ये वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद सफीन द्वारा ये उनके वो बिल्कुल विकलांग दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, उनके संबंध में जो विवाह होता है तो 49 रुपये शासन से राशि मिलती है, वो उनको पेंशन का प्रकरण बता के और अपना एक प्रमाण पत्र लगा के कि उनकी शादी हुई है, इस तरह 98,000 रुपये निकाल लिए हुए थे, जिसके संबंध में मेरे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद में अपराध पंजीबद्ध किया धारा 420, 470, 470, 471 उसमें ही ये FIR होने के बाद में इसको कल गिरफ्तार किया और आज माननीय न्यायालय केस करके कुछ दस्तावेज इनसे बरामद और किया जाना है, जिसके संबंध में पुलिस रिमांड लिया जो 31 तारीख के 12 बजे तक पुलिस रिमांड मिला है। सर, कितना गंभीर मामला है ये? काफ़ी गंभीर है। जो सहाय बच्चे थे, जो विकलांग बच्चे थे, उनकी राशि हड़प ली बिना विवाह किए, तो मामला निश्चित है कि काफ़ी गंभीर मामला है। चूँकि सर ये पूर्व में जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, तो क्या मामला महेश्वर कोर्ट ही चलेगा या? हाँ नहीं, जनप्रति रहते हुए ही इनने जनप्रतिनिधि रहते हुए ही ये कृत्य किया है। मामला ये सेशन न्यायालय में, माननीय सेशन न्यायालय में जाएगा, वहाँ ट्रायल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।